कैलकुलेट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। ये आपके पास ये फॉर्मूला है ना, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अभी ना ए सेक्शन में ज्वाइन नहीं किया, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, व्हाट डू यू चेक फॉर इनवर्स? इट्स बी सेक्शन, वैष्णवी शर्मा। मैम ये गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू टेल मी द कंडीशन फॉर इनवर्स? मैम यस मैम व्हेन एनी टू क्वांटिटीज लाइक एक्स एंड वाई वन इज डिक्रीजिंग एंड वन इज इंक्रीजिंग देन दे आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन वेरी गुड, व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम एक्स एक्स वन ओवर एक्स टू इक्वल्स टू वाई टू ओवर वाई वन दोबारा बोलो। X1, एक्स टू X2, इक्वल्स टू वाई टू ओवर वाई वन Y2 over Y1। ओके, और क्या हो सकता है इसके साथ? अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में करोगे और क्या हो सकता है? अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्या हो वन सकता है? X1 Y मल्टीप्लाई बाय Y2। वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू मल्टीप्लाई बाय वाई टू वेरी गुड, फिर बेटा बहुत अच्छे से आपने याद किया हुआ है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको कंफ्यूजन ना हो डायरेक्ट और इनवर्स के फॉर्मूला में। जैसे अभी मैंने पहले दैट गर्ल जिसको मैंने बुलाया था, गरिमा को, शी वॉज गेटिंग कंफ्यूज इन दैट थोड़ा सा, कि बोलने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सोचने में मुश्किल होती है कि X1 के नीचे क्या आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो कि यहाँ पे आपके पास X1 अपॉन Y1 है, तो यहाँ पे X1 इंटू Y1 है। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको? यस रिमेंबर इट इन दिस वे, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में याद कर लो इनवर्स को, और इसको रेशियो फॉर्म में याद कर लो कि इसको हमने डिवाइड करना होता है, इनको हमने प्रोडक्ट निकालना होता है। यहाँ पे भी X1 Y1 लेफ्ट साइड पे है, वहां पे भी X2 Y2 राइट साइड पे है, दोनों में। ठीक है, बेस्ट फॉर्मूला इज दिस, जिससे बच्चों को याद रहता है, कंफ्यूजन नहीं होती कि डायरेक्ट में डिवाइड हो रहे हैं और इनडायरेक्ट में दे आर मल्टीप्लाइंग। ओके, इसके बाद ये जो रेशियो है जो अभी अभी इसने बताया मेरे को, शी टोल्ड मी X1 X2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ऑफ कोर्स वो डिवाइड होगा, Y1 को उधर ट्रांसफर करोगे ऑफ कोर्स वो Y2 से डिवाइड होगा, तो ये चीज तो अपने आप आ ही जाएगी ऊपर वाली। ओके, रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट और डिविजन वाला, फिर आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी और कोई भी क्वेश्चन आपका बिना फॉर्मूला का नहीं निकलेगा, चाहे वो इंक्रीज डिक्रीज तो हो ही रहे हैं, वो तो क्वेश्चन ही ऐसा बना होगा कि आपको पता चलेगा इनवर्स का है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्ट है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ठीक है, मेन थिंग इज फॉर्मूला आपको कभी कभी ट्रबल करेगा कि क्या लिखे हैं, अभी थोड़ा सोच में डाल देता है 1 सेकंड के लिए, और फिर भी डाउट रहता है कि पता नहीं ठीक लिखा है कि नहीं। ओके, प्लीज रिमेंबर X1 Y1 एक ही साइड पे इकट्ठे रहेंगे, और वो कब मल्टीप्लाई होंगे कब डिवाइड होंगे, बस वो आपको याद रखना है। ओके, अभी हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। असर्शन रीजन, सबसे पहले असर्शन रीजन है आपके पास, कई बच्चे ये नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर लो इसको कंप्लीटली। ठीक है, मैंने 1/2 एग्जाम्पल लिखे, 1/2 के बदले में कोई भी रेशियो आपके पास हो सकता है, बस वो इक्वल पक्का आएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। पूरे के पूरे चैप्टर में यही स्टोरी है, डायरेक्ट एंड इनवर्स का पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता है कि हाँ कभी ये फॉर्मूला कभी वो फॉर्मूला, दैट्स इट। ओके बेटा, चलो असर्शन रीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज असर्शन, इफ फॉर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई द प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू के, के इज कॉन्स्टेंट, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, देन दे आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी आपने फॉल्स बोला, सोचा नहीं आपने, बिल्कुल भी सोचा नहीं ना, फॉर्मूला अभी भी आपके सामने है, यू कैन चेक इट। किस किस ने फॉल्स बोला है, रेज योर हैंड। गलती से बोला गया है फॉल्स, बिना सोचे समझे आपने बोला। रीड इट वंस मोर, इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई द प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू के, जैसे आपके पास यहां पे है, देन दे आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज ट्रू और फॉल्स? क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है?
चाहे आप एक्स वन वाई वन करो, एक्स टू वाई टू करो, एक्स थ्री वाई थ्री करो, जितनी भी वैल्यूज आप एक्स और वाई की डालते जाओगे उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल आता जाएगा। इज इट ट्रू? हाथ खड़े करो जिसे इसको पता कि ये ट्रू है। वेरी गुड, पता चल गया आपको। बी सेक्शन क्या डाउट है बेटे, खड़े होके पूछो। किसी को डाउट लग रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो फिर वो इनवर्स में होंगे? रिमेंबर वन थिंग बेटा, एक चीज का ध्यान रखो, जितने भी आप क्वेश्चन करते हो वो एक्स और वाई के फॉर्म में पूछते हैं कि एक्स एंड वाई डायरेक्ट हैं या फिर इनवर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा आपसे एक्स और वाई की बात होती है। अब आपने अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना है कि एक्स का मतलब वो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, बहुत सारी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आपकी पास कम से कम टू टू वैल्यूज तो आई है ना, एक्स वन एक्स टू, राइट? सिमिलरली जैसे हम वाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे पास वैल्यूज है वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। ठीक है, इनका आपस का जो रिलेशन है उससे आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। अभी अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू के है, कॉन्स्टेंट है, तो वो दोनों इनवर्स में होंगे। क्या ये ट्रू है? रेज योर हैंड कॉन्फिडेंटली वर सेइंग यस ट्रू। वेरी गुड वेरी गुड। अभी अभी हमने फॉर्मूला भी बताया आपको कि डायरेक्ट में आपके पास एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू होता है, आपने सबने लिखा भी हुआ है, एंड इनवर्स में आपके पास होता है एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू। क्या ये इससे मिल नहीं रहा है इनवर्स वाले से? यस मिल रहा है। ठीक है, एक्स वन वाई वन आपने खुद क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हो, पूछ वो एक्स और वाई के बारे में रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है किसी एक वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू के निकालते हैं तो क्या एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू के आएगा कि नहीं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, एसर्शन इज ट्रू। रीजन, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ एन इंक्रीज इन एक्स कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन वाई एंड वाइस वर्सा। अभी बताया था आपने मेरे को कि एक्स एंड वाई अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इन सच अ मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वो ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं जैसे कि उनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उनका कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। इज इट ट्रू? यस यस, यू नो इट। जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वही चीज प्रॉपरली एक डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपकी फर्स्ट की ऑप्शन आएगी ए, क्वेश्चन नंबर वन की ऑप्शन है ए। जो चीज आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, वही चीज डेफिनेशन में हमें बताई है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन, वेन टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल दे आर रिटन एज एक्स प्रोपोर्शनल वाई। फॉल्स। यस फॉल्स, सबको पता है, पिछली बार मैंने डिस्कस किया था कि अगर एक्स प्रोपोर्शनल वाई, दिस इज प्रोपोर्शनल का साइन है ये वाला, ठीक है, अगर किसी को नहीं याद है इसको लिख लो, प्रोपोर्शनल, इसका प्रोपोर्शन का सिग्नेचर है ये, साइन है, सॉरी। सो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई अगर वो डायरेक्ट है, और अगर वो इनवर्स है तो एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू वन बाय वाई। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ोगे आप आगे आगे फिजिक्स में। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज इंक्रीज करोगे तो दूसरी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो इनवर्स में वो रेसिप्रोकल हो जाता है, डायरेक्ट में वो एक जैसे रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे यू टोल्ड मी फॉल्स, दिस इज ट्रू। रीजन, व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन दे आर रिटन एज एक्स प्रोपोर्शनल वन अपॉन वाई। ट्रू, अच्छा, यस, इसकी ऑप्शन आएगी डी। इसको लिख के रखना अपने पास सामने, आपको याद रहेगा।
कि कौन सा रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, और कौन सा विदाउट रेसिप्रोकल होता है. थर्ड क्वेश्चन, असर्शन, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट अ जॉब इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करते जाओगे काम उतनी जल्दी होता जाएगा. ट्रू, यस. किसी को डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी हाउ. ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया था और दोबारा से असर्शन रीजन में आपके पास कंडीशन आ रही है, सो असर्शन इज ट्रू. ओके, रीजन, इफेक्ट्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. याद रखो कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इकट्ठे या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. देन एक्स माइनस वन एंड एक्स वाई माइनस वन आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. रीजन का एग्जाम्पल लो. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करते हैं इसको. ठीक है, ठीक. एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू सिक्स. ठीक है, तो आपके पास एक्स अपॉन वाई कितना आएगा यहाँ पे, 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3, है ना बेटे. नाउ वी आर चेकिंग फॉर एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन. लेट अस चेक क्या होता है ये. एक्स माइनस वन आपके पास आएगा 3, y माइनस वन आपके पास आएगा 5. तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या उनकी रेशियो सेम आ रही है. नो, तो ये नहीं होंगे. फॉल्स, रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन यस, दिस इज सी ऑप्शन. ओके, आपको कोई भी अपना आंसर बताना है, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है. उसको याद नहीं रखना कि हाँ इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था. आपको उसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट अभी अभी हमने डिस्कस की है, हो सकता है ये असर्शन में आ जाए, हो सकता है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, और हो सकता है आपके मैचिंग में आ जाए. तो आपको लॉजिकली समझना है उसको कि ये जो है वो इस रीजन करके वो दोनों डायरेक्ट में नहीं है. अगर इनकी रेशियो सेम आते, यहां भी 2/3 आता, तो हम कहते कि यस बोथ आर इन डायरेक्ट. ओके, कम टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. एनी डाउट इन असर्शन रीजन. वेरी गुड. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर, सब्जेक्टिव में आपको कैलकुलेशन करनी है, पूरा सॉल्व करना है. इट कुड बी ऑफ 3 मार्क्स, 2 मार्क्स. ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेबल इज गिवन टू यू. इट इज नोन दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस द वॉल्यूम वी वेरीज इनवर्सली एज द प्रेशर पी. बहुत ये जो स्टेटमेंट बहुत क्लियरली दी हुई है कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है. ये तो एक साइंटिफिक सेंटेंस है. साइंस में आपने पढ़ते हो कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी. कोई एग्जाम्पल पढ़ा है कि आपने साइंस में ये वॉल्यूम एंड प्रेशर की बारे में, हैव यू रेड इट इन फिजिक्स. अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ा है. यस यस, आपने पढ़ा है. छोटी सी चीज में, छोटे सा आपके पास बैलून है मान लो, उसमें बहुत सारी एयर फिल कर दोगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा. इट विल नॉट कैरी इट, है ना. तो आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम और प्रेशर. ओके, सो अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी. आपको सिर्फ ये यहाँ पे यूज करना है वर्ड कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि आपको फॉर्मूला यूज करना है इसमें. टेबल आपको दिया हुआ है, टेबल में यू कैन सी देर आर सो मेनी ब्लैंक्स, मिसिंग वर्ड्स हैं, तो उनको हमने फिल करना है. राइट, अब आपके पास जो टेबल है आप भी नोटबुक में बनाओ. आई एम ऑल्सो मेकिंग हियर, और साथ साथ में आपकी कैलकुलेशन भी होगी. स्केल की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी होगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, मेक इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू पुट द ऑप्शन ऑल्सो. यहाँ पे वी एंड पी के बारे में बताया हुआ है, वी एंड पी, राइट.
तो जहां जहां मिसिंग है, फर्स्ट इज टू हियर, दिस इज 48, दिस इज 60, यहाँ पे है 3/2। अब जो गिवन वैल्यू है उसको हमने पहले तो करना है। टेबल में और भी हैं, चलो यहां से हम शुरू करते हैं। ओके, अब आप v को x मानोगे और इसको y मानोगे। वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, और x और y मैं सिर्फ उसलिए बता रही हूं अगर आपको मुश्किल लग रही हो। जैसे हमने लिया इसको x1 लेते थे, y1 लेते थे, वैसे यहाँ पे ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास p1 है, p2 है, p3 है, p4 है। तो x और y के बदले में अब आप v1 और p1 को यूज करोगे। ठीक है, नाउ इट ए सेक्शन, विराट सिंह इज प्रेजेंट। हाँ जी बेटे, मेरे को आगे आके ये बताओ कि इसमें कंडीशन क्या हम चेक करेंगे। ओरल तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो इन्वर्स में है, कैलकुलेशन में हम क्या चेक करने वाले हैं? P1 ये चीज हमने चेक करनी है। ठीक है, अब इसको चेक करते जाओ और लिखते जाओ। सबसे पहले हमें इसका देख लें कि इसका आंसर क्या आता है, जो हमें गिवन है ना, पहले उसको चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि V3 P3 क्या चीज आ रही है। अगर वो हमें पता चल गई तो सबका ही सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। लेट अस चेक इट। V3 P3 इट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इट प्लस 30। तो इसका मतलब आपका आंसर 90 आना चाहिए, सबके केस में 90 90 आंसर आना चाहिए। क्लू मिल गया आपको कि दो का प्रोडक्ट 90 है, तो सबका प्रोडक्ट 90 90 आना चाहिए। V1 P1 इज इक्वल टू 90, V2 P2 इज इक्वल टू 90, एंड सो ऑन। ओके, नाउ स्टार्ट फाइंडिंग। अब आपको कैलकुलेशन पता है, अब आपको शुरू यहां से करना है कि V1 P1 इज इक्वल टू 90। ये चीज तो आपको पता है, V1 मिसिंग है यहाँ पे, लेट अस सी, ब्लैंक है ये हमारे पास, इसको ऐसे ही रखो। इंटू 2 इज इक्वल टू 90, प्लीज फाइंड आउट V1, वेरी सिंपल, 45। 45 इज V1। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपकी निकल गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आपका मिसिंग वैल्यू निकालने वाला, चाहे 2 ब्लैंक्स आए चाहे 3 ब्लैंक आए। ठीक है, ठीक है, ये फाइंड आउट करने वाला आएगा, यू कैन राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम ब्लैंक कैन कम इन योर डायरेक्ट वेरिएशन ऑल्सो एंड इट कैन कम इन योर इनवर्स ऑल्सो। किस किस को ये इजी लगा है क्वेश्चन, रेज योर हैंड, जिनको अच्छे से समझ आ गई है कि क्या चल रहा है, हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ आगे लेके जा रहे हैं क्वेश्चन को। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। आपको ये पता चल गया कि जो गिवन वैल्यू थी उसको हमने वहां से शुरू किया हमने क्वेश्चन। गिवन वैल्यू को हमने यूज करना है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। सेकेंड में हमारे पास फिर से लिखो V2 P2 इज इक्वल टू 90। प्रोसेस अपना फॉलो करो, प्रोसेस पूरा लिख रहे हो अभी तो, आपको एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू डू। 48 इंटू P2 इज इक्वल टू 90, प्लीज फाइंड आउट P2 फ्रॉम हेयर। ए सेक्शन, 5/3। वेट, मानव 8 थे, मानव निकाला आपने बेटे, मानव हैव यू फाउंड बेटा, कैलकुलेट किया आपने, कटिंग कटिंग कर रही थी। करनी है। ओके ठीक है, करो फिर। नोटबुक है अभी आपके पास? अगर है तो अभी अभी कर लो खड़े खड़े। वेरी गुड, टेल मी 90/48, यू आर इन 8th क्लास, क्विकली। 5/3 5/3, श्योर? मैम, और किसका आ रहा है 5/3? यस। चेक करो, आपने किया नहीं है शायद, है ना, आपको किसी ने बताया ना अभी? गो एट योर प्लेस।
बैठ के करो आराम से, 5/3 रॉन्ग है आंसर, दोबारा इसको कटिंग करो। ए सेक्शन, अमनदीप सिंह निकालिए आपने बेटा। अच्छा अगर काट लिए तो मुझे बताओ, बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये। वेरी गुड, जल्दी से। देखिए आपने, है ना? ओके, कोई बात नहीं, बैठ के करो। 90/48। कई बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे ए सेक्शन से, पीछे से थर्ड बेंच कर लिया। साजो बेटे, हाँ जी आओ बेटे। कई बच्चे ना पेन रोक के वेट करते हैं कि चलो आंसर पता चले और फटाफट लिख लें, दैट इज रॉन्ग। हाँ जी, अभी क्या हो गया वॉल्यूम को? आई कांट हियर यू, चेक करो। नो, आई कांट हियर यू। जिनका निकल चुका है प्लीज उसको एक बार दोबारा चेक करो। आंसर इज 15/8। किस किस का निकला 15/8? प्लीज रेज योर हैंड। गुड, 15/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्मल आपने कटिंग करनी है बेटा, अभी आपकी 8th क्लास है, जरा थोड़ा सा फास्ट हैंड चलाया करो। जब तक मैं एक बच्चे को बुलाती हूँ तब तक तो बाकी बच्चे अपना कर सकते हैं, है ना? 15/8 इज द करेक्ट आंसर। चलो, रिमेनिंग यू कैन डू, आई एम टेलिंग यू द आंसर्स। ओके, V4 इज कमिंग 90। यस आई कैन हियर यू, बट वीडियो इज नॉट देयर बेटा। वीडियो ऑन करो। ओके, 15/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर वी, सॉरी P2, राइट? अब आपको ये पता चल गया किसी में वी मिसिंग है, किसी में पी मिसिंग है, तो आपको सब में ऐसे ही करते जाना है, 90 से डिवाइड करते जाना है। ओके, आई एम राइटिंग रिमेनिंग आंसर्स, देन यू कैन डू एट होम। नेक्स्ट नंबर इज आवर वी टू, आपने निकाल लिया, V3 इज गिवन टू यू, तो V4 इज गिवन, इट इज 90, यू कैन राइट द आंसर। P5 विच इज मिसिंग, इट इज इक्वल टू 9/10। देन V6 मिसिंग है, इसमें आएगा 180, इसमें V सॉरी दिस इज 180, राइट? एंड P6 इज ऑल्सो मिसिंग, दिस इज 1/2। 1/2 को लिख लेना, ये आपकी आई थिंक मिसप्रिंट होगा, इसको लिखना है आपने। V6 ब्लैंक है लेकिन P6 आपको दिया हुआ है 1/2, इसकी करेक्शन कर लो बेटा। P6 इज गिवन टू यू इन दिस 1/2। अगर मिसप्रिंट है तो उसको ठीक कर लो। लास्ट, योर P7 वॉज मिसिंग, P7 पे आपके ब्लैंक था, इस आंसर इज कमिंग 9/20। ठीक है, यू विल बी डूइंग दीज ऑल वैल्यूज एट होम फॉर प्रैक्टिस। दो तीन हमने अभी निकाल ली है, यू हैव कम टू नो हाउ टू फाइंड इट। रेज योर हैंड हु विल फाइंड इट एट होम एंड हु हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड, डू एंड मैच दीज आंसर्स। ओके बेटा, सेम जैसे जैसे अभी हमने पिछली वैल्यूज निकाली वैसे ही चलते जाना है आपने आगे। ठीक है, एग्जाम में आपको 3 ब्लैंक्स आ सकते हैं, एग्जाम में 4 ब्लैंक्स आ सकते हैं। प्लीज रिमेम्बर दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, आपको चैप्टर समझ आ गया है, यू हैव कम टू नो द फॉर्मूला ऑल्सो, बट आपको आंसर देने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचना है फिर बोलना है। ठीक है, कोई चीज जब समझ आ जाती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, स्टिल यू हैव टू थिंक डीपली व्हाट आर दे आस्किंग।
कॉलम वन, आई विल कॉल द नेम, बैठ के आप आंसर नहीं बताओगे, आई वॉन्ट टू सी किस किस को चैप्टर समझ आया. फर्स्ट इज एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली टू ईच अदर. ओके, फर्स्ट यू हैव टू मैच सतीश, सतीश एट थे. वेरी गुड, जल्दी से आते जाओ. हाँ जी, किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट वाली किसके साथ मैच कर रही है बेटा? ये कॉलम वन है आपके पास. उसका डी. हाँ जी बेटा, मैम डी. डी ध्यान से देख लो, सारे ध्यान से देख लो फिर बताना. एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली टू ईच अदर. अगर वो इनवर्सली वेरी करते हैं तो आपकी कौन सी ऑप्शन इसके साथ जाएगी? चलो फर्स्ट वाला मैं बताती हूँ आपको आंसर. इट इज एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. शुरुआत मैंने कर दी है, अभी आप ध्यान से आगे करोगे. ठीक है, ये आपकी सी ऑप्शन है. आई एम राइटिंग हियर. फर्स्ट वाले आपकी मैच कर रही है सी के साथ. ओके, सेकेंड सेकेंड वन सुरवीन कौर एट थे. सेकेंड क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज पी एंड क्यू. वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन. नेक्स्ट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज एम एंड एन. बी सेक्शन भरत शर्मा. थर्ड क्वेश्चन, वेट बेटा, ये थे सेक्शन. मुझे लगता है आपके माइक में प्रॉब्लम आ रही है, इसको ना ऑफ कर दिया करो व्हेन इट इज नॉट इन यूज. मैं ऑप्शन डी. इसको ऑफ कर दो. हाँ अभी ठीक है. हाँ जी बेटे, क्या बताया आपने थर्ड का? मैं फोर्थ का मैम ऑप्शन डी. मैम जी. जी, यस, जी के साथ मैच कर रहा है. जब वो डायरेक्ट में होते हैं तो हमारे पास दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. एम इज प्रोपोर्शनल टू एन, नॉट रेसिप्रोकल, है ना, वो आपको पता है. फोर्थ इज व्हेन एक्स इज इक्वल टू, सिट डाउन बेटा, आई विल कॉल अदर चिल्ड्रन. When x1 is equal to 5, y1 is equal to 2.5. इसको अगर आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग से करना है ना फोर्थ क्वेश्चन को बेटा, x1 y1 कर लो ताकि आपको इजी हो जाए कैलकुलेशन में. x1 is equal to 5, y1 is equal to 2.5, right? And when y is equal to, they are asking 5, X2 is equal to 10. ये अपनी मर्जी से X1, Y1, X2, Y2 लिख लो, क्योंकि आपने सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में किए हुए हैं. एक कंडीशन में दिया सही, अगर X1 is equal to 5 है तो Y1 is equal to 2.5 है, ठीक है. एंड सेकेंड में दिया सही कि अगर Y2 is equal to 5 है तो X2 is equal to 10 है. तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? उनको कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास उनकी रेशियो इक्वल आ रही है या फिर उनके प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं. करके देखो इसको. यस, ए बी सेक्शन सेकंड बेंच गर्ल, या यू आर रेजिंग अ हैंड. हाँ जी बेटे, हम इसके प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं. प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं,
यस इट कुड बी यू नो एक्स वन अपॉन की रेशियो भी इक्वल आ रही है, रेशियो इक्वल आ रही है एक्स वन बाई वाई वन. यस इट इज इक्वल. यस इट इज इक्वल. एक्स वन बाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू आ रही है इसमें. जब आप चेक करोगे एक्स वन बाय वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू इक्वल आ रही है, तो इसकी ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास? एफ ऑप्शन, एफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. फोर्थ का आंसर होगा एफ. ठीक है बेटा, ये करके देखना पड़ेगा आपको. सेकेंड वन, सॉरी नेक्स्ट फिफ्थ वन. व्हेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई इज इक्वल टू फाइव एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव. इसमें क्या हो रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, चेक करो. Ratios are not equal, but x1 by x1 y1 is equal to x2 y2. चेक करो इसको फिफ्थ वाले को, क्या उनके प्रोडक्ट इक्वल है? एक्स वन वाई वन आपके पास 50 आ रहा है और एक्स टू वाई टू आपके पास आ रहा है. एक्स टू वाई टू ऑल्सो 50, दोनों आ रही है 50 के नहीं प्रोडक्ट का? यस आ रहा है, तो इसके ऑप्शन होगी एच. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, जब उनका प्रोडक्ट इक्वल है तो इनवर्स में होंगे. फोर्थ क्वेश्चन में उनका रेशियो इक्वल था तो वो डायरेक्ट में थे. ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने भी आ सकते हैं एग्जाम में उनको चेक करने के लिए. नेक्स्ट इज एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर. देन ए ऑप्शन एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट. यस सिक्स के साथ आपको मैच करेगा ए. सेवन इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन ऑन डिक्रीजिंग एक्स. तो बस एक दो ऑप्शंस रह गई हैं, उनको देखना बहुत इजी है एंड अदरवाइज आपको चैप्टर भी समझ आ गया है. एट की लास्ट ऑप्शन बची है ऑप्शन ई. ठीक है, इसमें मैचिंग वाले में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है ना. यू हैव कम टू नो कि डायरेक्टली लिए क्या चेक करना है और इनवर्स के लिए क्या चेक करना है. ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बेटा मॉड्यूल का. यस ओके चलो अभी मिक्स क्वेश्चन थोड़े से मैं करवाना चाहती हूँ आपको, सो दैट यू कैन क्लोज दिस चैप्टर नाइसली. लेट अस डू इट. अभी आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे और जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो भी आप साथ साथ लिखोगे. ओके कोई डायरेक्ट का होगा कोई इनवर्स का होगा. सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करेंगे. Yes, write down between extra questions you can write down. Extra questions, these are not in your module, but this is for your practice. Ab aapko pura chapter samajh aa gaya hai. There is a table in which you have to find the values. Ye question bahut important hai, isliye I'm giving you practice of this also once more. Table is given to you. X and Y की values दी हुई है आपको, right? और question में आपको दिया हुआ है कि X and Y vary directly with each other. Okay? तो condition हमें दी हुई है, तो उसके हिसाब से हम उनके fill in the blanks निकालेंगे, right? First is 2.5 and 5. Decimal number को ध्यान से लिखा करो, digits को थोड़ा सा दूर करके लिखो ताकि आपको पता चले. Then next is ऊपर blank है आपके पास upon 8. Then again blank. This is 24 and then it is 21 and here it is blank. There are three blanks, so this question is of 3 marks. Please do it carefully.
ठीक है, एंड कोई भी किसी से हेल्प नहीं लेगा, सबको आता है ये क्वेश्चन. यू कैन गिव 3 मार्क्स टू योर सेल्फ अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो, अपना अपना करोगे सारे. वेरी गुड. जब आप आंसर बताओगे आई विल आस्क यू द मेथड ऑल्सो, कैसे किया है आपने. वेरी गुड, नो नीड टू टेक हेल्प. कैलकुलेशन करो प्रॉपरली, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. जिनका फर्स्ट हो गया है दे कैन स्टार्ट सेकंड पार्ट. डेसिमल नंबर्स है, थोड़ा सा केयरफुली करना है आपको. रफ कॉलम रेडी रखो अपना, कैलकुलेशन करते जाओ. किसी को डाउट है दे कैन आस्क मी. किसी को प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में खड़े होकर पूछ लो, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. किस किस का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, रेज योर हैंड. वेरी गुड वेरी गुड. बाकी बच्चे थोड़ा फास्ट करो. आई एम गोइंग टू राइट आंसर ऑफ फर्स्ट नाउ, यू कैन चेक इट. एम वेटिंग फॉर 2 मिनट मोर, सबको करने देती हूँ बिकॉज एवरीबडी नो हाउ टू डू. अगर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब आर यू नो. ओके आई एम गोइंग टू राइट आंसर ऑफ फर्स्ट. ठीक है, जिन्होंने कर लिया दे कैन मैच इट, जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्लीट करने के बाद मैच करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज 4. यस दिस इज 4. 12 42. इनका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, रेज योर हैंड. वेरी गुड वेरी गुड. बाकी बच्चे कंटिन्यू करो अभी, कीप डूइंग. वेरी गुड. आपके पास 2.5/5 जो गिवन वैल्यू थी वो आपके पास, हमने सबसे पहले उनकी रेशियो चेक की क्योंकि वो डायरेक्ट में है. ठीक है, डेसिमल हटा के हमने जब इसको काटा तो आंसर आया 1/2. तो आपको ये पता चल गया कि सबके केस में 1/2 आंसर आना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट में है. ठीक है, सिंपल इक्वेशन आपने 7th में किया था, लीनियर इक्वेशन आपने 8th में किया है. आपको पता है मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स मिसिंग है तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई मिसिंग है तो वाई की वैल्यू निकाल लो. आंसर आपको पता है? एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, बी पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सेम है बेटा, डायरेक्टली है दोनों के लिए. मैंने दो इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाला है, दोनों के लिए डायरेक्टली है. ओके मैम. ठीक
डेसिमल है बीच में, ध्यान से करना. फर्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 4.5, 7.5, देन 13.25, ध्यान से. ओके और आपने डिवाइड करना है. डिवाइड करते समय सबसे पहले डेसिमल को हटाओ सो दैट आपकी कटिंग इजीली हो पाए. सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो आपके पास टू ब्लैंक्स हैं. ये टू मार्क्स का होगा क्वेश्चन, जिसमें टू ब्लैंक्स हैं टू मार्क्स का है, जिसमें थ्री ब्लैंक्स हैं वो थ्री मार्क्स का है. एंड वेट वेट, आप तब तक चेक करो अपनी कैलकुलेशन जब तक बाकी बच्चे कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू राइट आंसर. डेसिमल को थोड़ा सा ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको हटाना है, उसका फ्रैक्शन लिखना है, फिर उसको काटना है. ठीक है, ओके. सेकंड क्वेश्चन का है आंसर, दिस इज 6, राइट. एंड नेक्स्ट इज आपके पास है 26.5, राइट. 26.5 इज द करेक्ट आंसर. एक ये आ रही है ऑप्शन, एक ये आ रही है. ठीक है, और जब आपने रेशियो निकालना होगा 9/4.5 का. ठीक है, डेसिमल हटाया आपने, 90/45 आया, 90/45 आपके पास आया 2/1, क्योंकि जो गिवन वैल्यू थी वहां से आपने क्वेश्चन शुरू किया होगा. तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि उनका जो फ्रैक्शन आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2/1, तो सबके केस में 2/1 आना चाहिए. ओके, देन दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, नाउ रेज योर हैंड हु हैव डन सेकंड पार्ट करेक्ट. वेरी गुड, यस. कई बच्चे अभी कर रहे हैं, करते रहो, इट इज ऑन ओनली. किसी को डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्क. बी सेक्शन में किसी को डाउट है? ओके बेटा. वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये. यू ऑल्सो नोट डाउन द क्वेश्चन. रीमा टाइप्स 540 लेटर्स, वर्ड्स यू कैन से वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर. ड्यूरिंग हाफ एन आवर, ठीक है. अभी हाफ एन आवर को आप उसको अपने आप नंबर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है. एंड हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स शी वुड टाइप हाउ मेनी वर्ड्स शी वुड टाइप इन 6 मिनट्स. ध्यान से पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो और अपनी पहले अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि हमें क्या करना पड़ेगा इसमें. इसमें कुछ नहीं बताया कि वो डायरेक्ट है, इनवर्स है या क्या है. अपने आप उसको विजुअलाइज करो स्टोरी कि क्या हो रहा है इसमें. 18 वर्ड्स आपके पास. इस क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, ठीक है. वो आपको खुद लिखना है यहाँ पे, राइट. तो उसमें आपके पास एक तो हो रही है आपके पास वर्ड्स की बात हो रही है, कितने वर्ड्स हैं, और दूसरी बात आपकी हो रही है टाइम. अब टाइम इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे 6 मिनट्स है और यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हाफ एन आवर की बात हो रही है. तो पहले तो उनका टाइम जो है वो एक जैसा करना है हमने. Yes, you have to write that 540 words in half an hour. Half an hour को किसमें कन्वर्ट करोगे? 30 मिनट्स.
सबसे पहले उनकी यूनिट सेम करो, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू थिंक इट कि हाउ मेनी वर्ड्स इन 6 मिनट्स. पहले आपका टेबल रेडी हो गया, 6. लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन क्योंकि आपने यूनिट खुद कन्वर्ट किया है इसमें, ओके. और आपको ये पता है कि जितना टाइम ज्यादा होगा उतने ज्यादा वो उसके वर्ड्स टाइप होंगे, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है. तो ये डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा? डायरेक्ट. यस. 540/30 = x/6. दिस वॉज डायरेक्ट, ओके. तो आपकी x की वैल्यू आ रही है, किसने निकाली अभी तक? 108 words are there. Okay. चलो ठीक है बेटा, रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चंस. यू हैव डन वेरी वेल. यू आर इन 8th क्लास. थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी आता है कई बारी, ठीक है. आपको यूनिट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए. पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम यूनिट में होना चाहिए, तभी आप सॉल्व करोगे. प्लीज रिमेम्बर इट, ओके. चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा. एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है किसी क्वेश्चन में फ्रॉम आवर स्कूल या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो हमने किए हैं? चलो डू वेल देन, ओके. ऑल द बेस्ट. Bye, thank you.